लेकिन बात यदि यहीं पर ही समाप्त हो जाती तो बहुत अच्छा था। लेकिन आज पूरे विश्व में एक और अजीब प्रकार के विवाह जो हैं वो होने शुरू हो चुके हैं। आज पुरुष पुरुष आपस में शादियां रचा रहे हैं, महिलाएं महिलाएं आपस में शादियां रचा रही हैं, और ये गे मैरिजेस का जो चलन है वो अमेरिका में और यूरोप के देशों में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में इतना ज्यादा आज बढ़ चुका है कि इन पश्चिमी देशों में आज गिरजा घरों के अंदर ऐसे समलैंगिक विवाह जो हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि एक ही ऐसा पाप है जिसे परमेश्वर किसी भी कीमत पर बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है, और वो समलैंगिकता है। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है कि मैं समलैंगिकों से घृणा करता हूं, उनसे नफरत करता हूं। जब पुरुष पुरुष आपस में कुकर्म करते हैं या महिलाएं महिलाएं आपस में कुकर्म करती हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसे लोगों से घृणा करता हूं। लेकिन इस सत्य के बावजूद आज पश्चिमी देशों में गिरजा घरों के अंदर ऐसे विवाह जो हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन की धज्जियां जो हैं पश्चिमी देशों के अंदर आज उड़ाई जा रही है, और बात यदि यहीं पर ही समाप्त हो जाती तो बहुत अच्छा था। लेकिन आज एक और अजीब प्रकार के विवाह इस संसार में होने शुरू हो चुके हैं। आज लोग जानवरों के साथ शादियां रचा रहे हैं। उधर सूडान देश में एक व्यक्ति ने अपनी पालतू बकरी के साथ विवाह रचा लिया, और बकरी को दुल्हन की तरह तैयार करके वो पंचायत के अंदर ले गया और पंचों से कहा कि मेरी मिसेस से तो मिलिए। उधर स्विट्जरलैंड देश की सरकार जो है वो परेशान है कि कैसे घोड़ों को बचाया जाए, क्योंकि स्विट्जरलैंड के अंदर रहने वाली लड़कियां जो हैं वो घोड़ों के साथ विवाह रचाना उन्होंने शुरू कर दिया है। घोड़ों के गले में बो लगा करके उनको डिस्को में, क्लब में, पब में लेकर के जाती हैं और अपनी सहेलियों से कहती हैं कि मेरे मिस्टर से तो मिलिए। उधर अफ्रीका के देशों में लोग गधियों के साथ शादियां रचा रहे हैं। उधर अफ्रीका के देशों में लोग मुर्गियों के साथ, मुर्गों के साथ, कुत्तों के साथ शादियां रचा रहे हैं। परमेश्वर ने जब विवाह की स्थापना करी तो परमेश्वर का जो सनातन नियम था, परमेश्वर ने इस बात को अदन की वाटिका में ठहराया था कि इंसान जो है वो नर और नारी के रूप में जाना जाएगा। लेकिन आज इंसान ने विवाह के मायने जो हैं वो बदल दिए हैं। परमेश्वर की सनातन वाचा जो सर्वशक्तिमान सृजनहार ने अदन की वाटिका में इंसान के साथ बांधी थी, उसको आज इंसान ने तोड़ दिया है। परमेश्वर के सनातन नियमों को आज इंसान ने तोड़ करके रख दिया है। जैसे नूह के दिनों में इंसान ने विवाह के अंदर एक भारी गड़बड़ करके रख दी थी, यीशु ने कहा कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था मेरे वापस आने से पहले भी, बिल्कुल वैसा का वैसा इस संसार में घटित होगा। और आज हमारे समय में विवाह को लेकर के एक भारी गड़बड़ इंसान ने वैसे ही उत्पन्न कर दी है।